ग्वालियर पुलिस ने आदिवासियों से मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यूनिवर्सिटी थाने में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर और उनके साथियों पर अभद्रता और मारपीट की एफआईआर दर्ज की गई है। मऊ पहाड़ी गांव में रहने वाली मुन्नीबाई लोधी की शिकायत पर कांग्रेस विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मऊ पहाड़ी गांव की मुन्नीबाई लोधी की शिकायत पर विधायक साहब सिंह सहित अन्य पर एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि सोमवार शाम मऊ के ग्रामीण ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर विधायक के घर पर गए थे। उस दौरान विवाद हुआ था। आदिवासियों ने आरोप लगाया था कि विधायक साहब सिंह ने दरवाजे से भगाया। बिजली की गुहार लगाने जब दरवाजे पर खड़े हो गए तो विधायक ने खुद की मार दी। कांग्रेस विधायक ने महिलाओं को लाल फूसों से मारा। हालांकि ग्वालियर ग्रामीण सीट से कांग्रेस विधायक साहब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोप पर सफाई देते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया था। एसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि कांग्रेस विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोई कांग्रेस विधायक के पीएसओ की तरफ से भी ग्रामीणों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसकी पुलिस जाँच कर कार्रवाई करेगी है। कल जो यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में जो महिलाएं कुछ विधायक जी के निवास पर पहुंची थी, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और जो मुन्नी लोधी नामक जो पीड़िता है उसने जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें हम लोग सारे तथ्यों को विवेचना कर रहे हैं।